नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश भारद्वाज और आज आप देख रहे हैं मेरठ मैजिक में हिमाचल प्रदेश में स्थित माँ चामुंडा देवी के मंदिर के बारे में। जी हां दोस्तों, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा ज़िले में एक स्थित प्राचीन मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण 1762 ईस्वी में उमेद सिंह ने करवाया था, जो कि कांगड़ा से 24 किलोमीटर दूर, धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर माँ चामुंडा देवी को समर्पित है, जो कि भगवती काली का ही एक रूप माना जाता है। चामुंडा देवी को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चामुंडा देवी मंदिर में शिव और शक्ति का वास है। चामुंडा देवी के मंदिर के पास भगवान शिव विराजमान है, जो कि नंदीकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। चामुंडा देवी मंदिर बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ चामुंडा देवी मंदिर का अपना एक धार्मिक महत्व है तथा यह मंदिर लगभग 16वीं सदी में बना था। नवरात्रों के त्यौहार के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ लोग दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 400 साल पहले एक राजा और ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर को एक उचित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए देवी माता से अनुमति मांगी। देवी माता ने इसकी सहमति देने के लिए पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने के निर्देश दिए। खुदाई के स्थान पर एक प्राचीन चामुंडा देवी मूर्ति पाई गई, जहां चामुंडा देवी मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित किया और उसी रूप में उसकी पूजा की जाने लगी। जहां राजा ने मूर्ति को बाहर लाने के लिए पुरुषों को निर्देश दिए तथा पुरुष उसको हिलाने और बाहर लाने में समर्थ नहीं रहे। जी हाँ, फिर देवी माँ ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिया और देवी माँ ने कहा कि सभी पुरुष अपने उसको पत्थर को सामान्य समझ रहे थे, जिस कारण से वो उसमें सफल नहीं हो पाए। जबकि देवी माँ ने पुजारी से कहा कि वह सुबह जल्दी उठ के स्नान करके तथा पवित्र कपड़े पहने और एक सम्मानजनक तरीके से बाहर लाने के निर्देश दिए और वह उसको करने में सफल रहे। जी हाँ, पुजारी ने सभी लोगों को बताया कि यह सब देवी माँ की शक्ति का चमत्कार है। मंदिर के अंदर रामायण और महाभारत के दृश्य भी दर्शाए गए हैं। माँ चामुंडा देवी में मूर्ति में भगवान हनुमान और भैरव दोनों की छवि नजर आती है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार चामुंडा देवी को देवी प्रमुख के रूप में वह रुद्र के नाम से प्रतिस्थापित किया गया था, जब भगवान शिव और जालंधर राक्षस के बीच घनघोर युद्ध हुआ था। इस स्थान को रुद्र चामुंडा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार देवता और राक्षसों में घनघोर युद्ध हुआ। भगवती कौशिक ने अपनी एक भौं से देवी चंडिका को उत्पन्न किया। देवी कौशिका ने चंडी को चंड और मुंड दो राक्षस को मारने के का कार्य सौंपा। देवी चंडिका ने दोनों राक्षसों से भीषण लड़ाई की और अंत में राक्षसों को मार डाला और देवी चंडी ने दोनों राक्षसों के सिर काटकर कौशिक देवी को के पास ले आई। देवी कौशिक ने खुश होकर चामुंडा चंडिका देवी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें चंड और मुंड दो राक्षस को मारा है, अतः तुम्हारी संसार में चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, जय माता। बाण गंगा है, चलो। अच्छा, यही है मंदिर।
ये पानी देख रहे हैं यहाँ नहाने का पानी वहाँ चप्पल तो वहाँ भी तार देते वहाँ तार वहाँ तरवा दी सही बन जाए।